हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको सीलिंग फैन को रिपेयरिंग करना सिखाऊंगा। हमारे पास दो साल पुराना सीलिंग फैन है, इसके अंदर बैरिंग का प्रॉब्लम है। ये हमारा रोटेट पहले नहीं कर रहा था, अब जैसे कि देख सकते हैं हमने इसका रिपेयरिंग कर दिया है, अब ये रोटेट कर रहा है अच्छे से। तो इसके अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर बैरिंग का प्रॉब्लम है, बैरिंग हमारा जाम हो चुका था, उसी को आज हम बदलेंगे। और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा दो साल पुराना पंखा है और ये बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर रहा है। एक बार मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर आवाज़ सुन सकते हैं, ये हमारा गिर आवाज़ कर रहा है। तो आज इसी प्रॉब्लम को देखेंगे, ये क्या हो रहा है इसके अंदर और ये मूव क्यों नहीं हो रहा है। तो सिंपल गाइस, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कैपेसिटर वाला है ये सारा वायर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सारा वायर खोल लिया है और यहाँ पर अभी हमारा तीन वायर निकल चुका है, जो कि हमारा अंदर से निकलता है। अब क्या करेंगे, इसका जो ये वाला नट है इसको भी हम खोल लेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप देखते हैं, कुछ इस प्रकार से हमें खोल लेना है। अब जो ये वाला हिस्सा है इसे हम साइड रख लेते हैं, इसका ऊपर वाला ही पार्ट खोल लेते हैं। इसका ऊपर वाला पार्ट भी खुल गया है। स्टार्टर ये हमने बाहर निकाल लिया है और स्प्रिंग कनेक्शन जो है एकदम हमारा सही है, और मैंने आगे से भी चेक कर लिया, ये हमारा वायरिंग कनेक्शन एकदम सही है। तो अब जैसे कि आप देखते हैं, यहाँ पर हमारा तीन वायर है, तो एक बार हम टेस्ट भी कर लेते हैं सीरीज टेस्टर से। तो यहाँ पर हम दोनों पिन ले आते हैं और स्विच टेस्टर से चेक कर लेते हैं। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल दोनों एकदम सही है। तो ये हमारा जो स्टार्टर है ये एकदम सही है। अब इसको हम साइड रखते हैं। ये हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है, इसका जो वायरिंग है ये जाम है, बिल्कुल देख सकते हैं ये बिल्कुल रोटेट नहीं कर रहा है। इसके अंदर यही प्रॉब्लम है, जो इसका ऊपर वाला जो वायरिंग है हमें इसे बदलना है, तब ये हमारा जो मोटर है वो एकदम अच्छे से ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो स्टार्टर है वायरिंग कनेक्शन एकदम सही है, और जो इसका हमारा नीचे वाला पार्ट है तो ये भी हमारा वायरिंग एकदम सही है, ये रोटेट कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमारा सारा चीज सही है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमारा जो ये वायरिंग है इसको चेंज करना है। तो गाइस, जैसे कि आप देखते हैं, यहाँ पर हमने वायरिंग एक नया वायरिंग लगा दिया और इसमें हमने ऑयल भी डाल दिया मशीन वाला। अब यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दो नंबर की हमारी वायरिंग होती है। तो ये मैंने डाला है, पूरा नया वायरिंग हमने इसमें डाला है, लगा हुआ था वैसे हम इसमें लगा देंगे। अंदर से फिक्स कर लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कुछ अच्छे से ये फिक्स हो चुका है। मोटर को जैसे कि फिक्स था वैसे इसको अच्छे से हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। नीचे वाला हिस्सा लेंगे और यहाँ पर जो इसका स्प्रिंग जैसा लगा हुआ था वैसे यहाँ पर हम बीच में इसका स्प्रिंग लगा देंगे। गाइस, इसको सेट कर लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अच्छे से ये फिक्स हो चुका है। अब मैं इसको रोटेट करवा के दिखाता हूँ, तो बहुत अच्छे से ये रोटेट कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका जो हमारा स्टेप रह गया वो हमारा वायरिंग का रह गया है, तो अब वायरिंग का कनेक्शन कर देते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देखते हैं, मैंने इसको अच्छे से वायरिंग कनेक्शन सब चीज़ कर लिया है और मैंने यहाँ पर एक नया वायर भी लगा लिया है, क्योंकि वो वायर बहुत ज़्यादा छोटा था और बहुत ज़्यादा पुराना था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक नया वायर भी लगा लिया है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे और चला के देखेंगे चलता है कि नहीं चलता। तो गाइस, जैसे कि आप देखते हैं, यहाँ पर हमारा कितना अच्छे से स्मूथली चल रहा है हमारा पंखा। तो गाइस, जैसे कि आपने देख लिया, यहाँ पर हमारा सीलिंग फैन कितने अच्छे से वर्किंग कर रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट में जरूर बताना, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।